और इस वक्त योगगुरु स्वामी रामदेव आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रणाम। आज तो आप काशी पहुंच गए हैं। आपके साथ था मीनाक्षी जी, प्रणाम स्वामी जी। और हुसैन भाई और ज्योत्सना जी, देखो आप जो है बोल रहे थे बरगद के पेड़ की तरह है, बरगद भी है, पीपल भी है, पंचवटी है पूरी, और इधर पूरी गंगा जी का विशाल क्षेत्र है, दूर तक देखो उत्तरवाहिनी गंगा है। और ऐसे भगवान विश्वनाथ की इस पावन नगरी में माँ भागीरथी गंगा जी के जाह्नवी के पवित्र तीर पर हम यहाँ पर योग साधना कर रहे हैं। और जो योग साधना करेगा, ये सच बात है कि 100 साल तक उसके बुढ़ापे के लक्षण आएंगे नहीं, ये घुटने खराब हो जाते हैं। तो देखो ये छोटा सा अभ्यास यहाँ से शुरू कर दें, अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को आगे पीछे दबाए, कितना ईजी ऐसे किया, 10-20 बार आगे पीछे किया लंबे लंबे सांसों के साथ, 10-20 बार ऐसे गोल घुमाया, तो बड़े बुजुर्ग यहाँ सूक्ष्म व्यायाम से ऐसे अपना प्रारंभ करें। और सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करके ऐसे, और फिर जितने सहज आसन बन पाए, हम लगभग 100 योग की क्रियाएं बताते हैं और सैकड़ों छोटे छोटे उपाय दिनचर्या में, छोटे छोटे करेक्शन बताते हैं, खान पान की आदतों में छोटे छोटे करेक्शन करने के लिए कहते हैं हम, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको आजकल मॉडर्न मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है, बस ये छोटे छोटे उपाय कर लें कि हम सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पी लें, मिलेट्स का प्रयोग कर लें, जैसे अभी G20 में भी मिलेट का प्रमोशन बहुत अच्छा हुआ है, थोड़ा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अपने बारे में, घर के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र ही नहीं पूरी समष्टि, पूरे संसार के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में पॉजिटिव सोचें, तो इस ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा आपका ऊर्ध्व आरोहण करने में आपकी सहायता करती है। चलिए ये सारी चीजें एक एक करके नोट करवा देते हैं सबको स्वामी जी, ताकि किसी से कहीं कोई चूक ना हो, एक पूरी लिस्ट बन करके घर में चिपक जाए कि दादा दादा दादी का या फिर नाना नानी का ख्याल कैसे रखा जाना है। ये सारी चीजें हम पूरे इस कार्यक्रम के दौरान बताएंगे स्वामी जी। लेकिन एक अच्छी चीज ये दिख रही है कि आज आप बाबा विश्वनाथ की नगरी में है, जैसे महादेव हर किसी का ख्याल रखते हैं, वैसे ही घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी अपने तजुर्बे के जरिए घर के तमाम लोगों को रास्ता दिखाते हैं, हर बुरी चीज़ से बचाने की कोशिश करते हैं, बीमारियों से भी वो बचाने की कोशिश करते हैं, उनके पास नुस्खे भी होते हैं स्वामी जी। ऐसे में अभी ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो दादा दादी हैं, जिनके भी हैं वो खुश नसीब हैं, जिनके नहीं हैं कोई बात नहीं, वक्त सबका आता है, नाना नानी स्वस्थ रहें, दादा दादी स्वस्थ रहें और उनकी ज़िंदगी 100 साल तक हो, ये कैसे मुमकिन करना, और एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से स्वामी जी आप बताइए। और एक बात इससे पहले और स्वामी जी, देखो, कल तक हमारी माता जी जिस काम के लिए, जिस गलती के लिए हमें कूट रही थी, अपने पोते को और अपने नाते नातिन को जो है नहीं मार रही होती, ये क्या खेल है, नहीं समझ में आया, उनको छूट मिल जाती है। वही जो बात ज्योत्सना ने कही थी ना, सूद ज्यादा प्यारा होता है, मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। तो देखो जो है कुटाई पिटाई घुटाई बढ़िया होती रहनी चाहिए और उससे अच्छा रहता है। अब सबसे पहले ये सूक्ष्म व्यायाम हमने आज इसलिए लिया है, आसन तो हम रोज शुरू करते हैं और ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने तो देखा एक स्वामी भीष्म जी थे 115 फिर 125 साल के लगभग वो शीर्षासन तक किया करते थे और कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम तो पहले बता दिया। फिर बड़े बुजुर्गों को सबसे बड़ी समस्या होती है जोड़ों में दर्द, हल्दी मेथी सौंठ, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा उसमें दो चुटकी भर सेंधा नमक मिला दिया, उससे पूरा एक फार्मूला तैयार हो जाता है, जोड़ों का दर्द पूरा खत्म। हमने पहले कई बार बताया है जो बड़े बुजुर्ग हैं मिलेट्स के साथ, वो यदि एलोवेरा जूस और थोड़ा सहजने के पत्तों का, सहजना या पारिजात, हार श्रृंगार, निर्गुंडी, कहीं ना कोई कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, तो एलोवेरा में ये थोड़ा सहजना, निर्गुंडी या पारिजात और उसके पत्ते और फूल का रस मिलाकर के उससे आटा गूंदा और उससे रोटी खा ली, और ये हल्दी मेथी सौंठ, थोड़ा सा किसी को अश्वगंधा सुरंजान या अजवाइन और थोड़ा उसमें सेंधना मिला करके इसका पाउडर खा लिया, ऑर्थराइटिस पूरा खत्म हो जाता है। सूक्ष्म व्यायाम तो जो हमने बताया सो कर ही लिया,
अब ये जो शीर्षासन है, सर्वांगासन है, कोई बचपन से करता हो तो 100 साल तक कर सकता है, 125 साल तक मैंने देखा है। मेरी इच्छा है मैं 150 साल तक ये कर सकूं, लेकिन ये जो बचपन से करते रहेंगे तो फिर हमारी तरह से 55 में भी बचपन की तरह ही कर पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।